मैं हरलाल, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक नाभिकीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। नाभिकीय बल के बारे में चर्चा करने से पहले हम नाभिक के बारे में संक्षिप्त बात करें तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। आप जानते हो कि प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, फलस्वरूप नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक की संरचना के संबंध में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, क्योंकि दोनों दो प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। जब इस प्रकार विभिन्न लोगों के द्वारा इस बारे में सोचा गया तो एक ये ज्वलंत मुद्दा बन गया कि नाभिक स्थायी कैसे रह सकता है, और ये एक शोध का विषय बना। तो ये देखा गया कि नाभिक ये कणों यानी न्यूक्लियंस के मध्य कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल तो कार्य नहीं कर सकता, एवं न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगने की संभावना भी नगण्य होगी, क्योंकि इनका द्रव्यमान अत्यल्प होता है। इसलिए नाभिक की संरचना का स्थायित्व शोध का विषय बना और इस प्रकार नाभिकीय बल की खोज हुई। ये विश्वास किया जाता है कि नाभिक में उपस्थित सभी कणों के मध्य नाभिकीय बल कार्य करता है और जिसके कारण सभी न्यूक्लियंस आपस में बंधे हुए रहते हैं। और इस संबंध में एक जापानी वैज्ञानिक युकावा ने एक बल की उत्पत्ति की जिसे नाभिकीय बल या युकावा फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। युकावा के अनुसार न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला नाभिकीय बल पाई मेसोनों के कारण होता है और इस नए कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है। युकावा के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगातार मेसोनों का विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मेसोन्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। इस प्रक्रिया में मेसोनों के विनिमय के साथ ही प्रोटॉनों का न्यूट्रॉन के साथ विनिमय होता है, अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज होते रहते हैं, एवं इस प्रक्रिया के दौरान मेसोन पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट मेसोनों में से पाई प्लस प्रोटॉन पाई नॉट न्यूट्रॉनों के तथा पाई माइनस प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य विनिमय करते रहते हैं। एक खास बात यह है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के आपसी विनिमय के दौरान नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज नहीं होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी विनिमय प्रक्रिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि न्यूक्लियंस आपस में बंधे हुए रहते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जन में भाग लेते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तथा पाई मेसोन उत्सर्जित होता है जो क्षय होकर अविलंब ही इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रकट होता है। इसको हम इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन में से जब पाई मेसोन उत्सर्जित होगा तो वह प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रॉनो निकल जाएगा और तुरंत ही ये जो पाई माइनस मेसोन है वो डिके होकर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है
पाई मेसोन निष्कासित होता है जो कि तुरंत ही पॉजिट्रॉन ई प्लस में क्षय हो जाता है। अर्थात जो प्रोटॉन है उसमें से जब पाई प्लस मेसोन जब निकलता है तो न्यूट्रॉन में बदल जाता है और एक न्यूट्रिनो इमिट होता है। यानी ये प्रोटॉन जो है इससे एक पाई प्लस मेसोन जो है वो न्यूट्रॉन पे जंप कर जाता है। यानी इससे जो है जैसे किया और ये न्यूट्रॉन में बदल जाता है। नाभिक में न्यूक्लोनों के मध्य बहुत ही कम दूरी के चलते हुए प्रतिकृष्ण बलों के बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया कि ये नाभिक के बल एक्सचेंज टाइप के यानी विनिमय प्रकार के होते हैं और इसके लिए इस प्रक्रिया को उन्होंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो प्रोटॉन जो होता है उस प्रोटॉन के चारों ओर इस प्रकार का कोई वर्चुअल मेसोन क्लाउड होता है। यानी इसके चारों ओर मेसोन्स होते हैं और ये प्रोटॉन के चारों ओर जो मेसोन क्लाउड है उसमें पाई प्लस मेसोन्स होते हैं और प्रोटॉन से एक पाई प्लस मेसोन जैसे ही न्यूट्रॉन पे जंप करता है न्यूट्रॉन ये जो है इसमें से निकल जाता है तो वो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और पाई प्लस मेसोन निकल जाता है। इसी प्रकार जब न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन के मेसोन क्लाउड से न्यूट्रॉन के चारों ओर पाई माइनस मेसोन का क्लाउड होता है और वो जो पाई माइनस मेसोन इससे जंप करता है तो वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटोन में बदल जाता है। प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के चारों ओर आभासी मेसोन मेग में पाई प्लस व पाई माइनस में मेसोनों की संख्या भी तो परिवर्तित होती है लेकिन अंतिम अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रारंभिक अवस्था की तरह ही बनी रहती है। हम नाभिकीय बलों के मुख्य गुणों को निम्न प्रकार से बता सकते हैं। नाभिकीय बल विनिमय प्रकार के होते हैं तथा मुख्य रूप से आकर्षण बल होते हैं। इम्पॉर्टेंट नाभिकीय बल लघु प्रास बल होते हैं तथा इनकी रेंज 10^-15 मीटर की होती है जो उनके नाभिकीय कणों यानी जो उन जो न्यूक्लियंस हैं उनके आकार के परिमाण की कोटि की होती है। प्रत्येक न्यूक्लियॉन अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने समीपस्थ न्यूक्लियनों की सीमित संख्या से अन्योन्य क्रिया करते हैं। नाभिक के बल अविद्युतीय प्रकृति के होते हैं। नाभिक के बल अकेंद्रीय बल होते हैं। नाभिक के बल क्रियाशील नाभिकों के स्पिनों के अभिविन्यास पर निर्भर करते हैं। नाभिक के बल लघु प्रास बल यानी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं तथा अन्य बलों की तुलना में बहुत ही प्रबल होते हैं। थैंक्स।